जैन फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय सेव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है कि सशस्त्र सीमा बल में या फिर किसी और डिपार्टमेंट में जो कांस्टेबल वाशरमैन का जो ट्रेन टेस्ट होता है वो किस टाइप से होता है। तो बहुत से बच्चे गुजारिश कर रहे थे कि सर ऐसी वीडियो लाई जाए, क्योंकि उसका ट्रेन टेस्ट आने वाला है, क्योंकि उसका एग्जामिनेशन जो हुआ था दोस्तों 2020 वाली जो कांस्टेबल ट्रेनमैन की सशस्त्र सीमा बल की वैकेंसी जो निकली थी उसका जो फिजिकल वगैरह हो चुका है, रिटर्न एग्जामिनेशन अभी हुआ है जून में। तो दोस्तों, उसके बाद अब उसका रिजल्ट आने वाला है और उसके बाद दोस्तों फिर ट्रेन टेस्ट आपका होने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों, किसी एक सशस्त्र सीमा बल के कर्मी से ही, मतलब एक मेरा फ्रेंड है उसी से मैंने जानकारी लेकर ये वीडियो मतलब बनाई है। उससे मैंने पूछा था कि भाई आपसे क्या क्या पूछा गया, क्योंकि वो 2018 वाली जो वैकेंसी 2018 में भर्ती हुए थे, शायद 2016 वाली वैकेंसी होगी, क्योंकि वो न्यू कमर था, इसलिए मैंने उससे वो सारी चीज़ें पूछी। क्योंकि पुराने वालों से उतना मतलब चीज़ों को नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि जो नए हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से मैंने उसकी जानकारी ली। तो इसलिए दोस्तों, मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरी चीज़ें इसमें फुल डिटेल वाइज मैं आपको बताऊँगा और जो आपका वाशरमैन का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आप ट्रेन टेस्ट में क्लियर भी हो पाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी सशस्त्र सीमा बल में 1522 थी, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी फिल करते हैं, वाशरमैन हो गया, वेटर हो गया, ठीक है, कुक हो गया, सफाई वाला हो गया, ठीक है, ये वैकेंसी ऐसे हैं दोस्तों जिसमें ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो फॉर्म फिल करते ही हैं, ठीक है, क्योंकि और वर्क उन पे आते नहीं है, ठीक है, यही रीजन होता है। तो उनमें थोड़ा कंपटीशन दोस्तों थोड़ा बढ़ जाता है। और जैसे कारपेंटर है, कारपेंटर का वर्क वो आना चाहिए, ठीक है, कारपेंटर का अच्छे से वर्क आना चाहिए, तभी वो आपका ट्रेड आप उसमें मतलब ट्रेड टेस्ट वगैरह दे सकते हो और 2 साल का जो भी एक्सपीरियंस अपना दिखा सकते हो। लेकिन जो सफाई वाला वगैरह है या कोई वाशरमैन वगैरह है, उसका क्या है कि आप बहुत ही जल्दी उसको काम को सीख सकते हो और जल्द ही आप ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल का जो ट्रेड टेस्ट होता है वाशरमैन का, वो किस टाइप से होता है। तो सबसे नंबर वन बात, फर्स्ट जो बात, ठीक है, ध्यान से सुनना दोस्तों सभी और पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि लास्ट तक सारी चीज मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वॉशिंग मशीन। उस दोस्त ने मेरे को बताया पहले उसमें क्या है कि वॉशिंग मशीन, क्योंकि उसमें क्या दोस्तों, वर्बली भी आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि भाई वॉशिंग मशीन कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन दोस्तों दो टाइप की होती है, एक होती है ऑटोमेटिक और एक होती है सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ऑटोमेटिक में जो होता है वो दो टाइप की ऑटोमेटिक वो होती है मशीन, ठीक है। एक तो होती है फ्रंट लोड, जिसमें फ्रंट से खोलते हैं और कपड़ा डाल देते हैं और वो हो जाता है। एक होता है दोस्तों टॉप लोड, और एक में क्या होता है टॉप लोड। टॉप लोड मतलब ऊपर से डाल देते हैं कपड़ा, वो अपना होके सूख साख के अपना बाहर आ जाता है, ठीक है। दो टाइप की उसने बताया, जैसे तो फ्रंट लोड और टॉप लोड। और सेमी ऑटोमेटिक दोस्तों, सेमी ऑटोमेटिक उस टाइप की वो होती है जिसमें, जिसको हम घर में जैसे यूज करते हैं वॉशिंग मशीन, वो ये जो सेमी ऑटोमेटिक होती है उसमें दोस्तों। अब आता है कि इसमें नॉर्मल जो कपड़ा है, ठीक है, नॉर्मल कपड़े को हम अगर धुलाते हैं मतलब धोते हैं, तो वो कितने मिनट उसमें जो मशीन का टाइमर है वो लगाना चाहिए, तो उसमें वो 15 मिनट का लगाना चाहिए। नॉर्मल मतलब हल्के जो कपड़े हैं, मतलब नॉर्मल टाइप है, मतलब ज्यादा गंदे नहीं होते हैं, ठीक है। और जो हार्ड टाइप के कपड़े हैं उसमें 2 राउंड आपको 15-15 मिनट के लगाने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आपको वहां पे भी काम देने वाली हैं, जब आपको वहां कपड़ा धुलाया जाएगा, धुलने के लिए बोला जाएगा, जब आप टाइमर लगोगे तो वहां पे ये चीज भी आपकी वो नोटिस की जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसमें आपके मार्क्स रहेंगे, जो क्वालिफाइंग होगा वही को उसी बच्चे को आगे के लिए फिर क्वालिफाई किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। उसके बाद दोस्तों, आयरन, आयरन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, भाई आयरन के टाइप बताओ, ठीक है, आयरन किस किस टाइप की होती है। जैसे स्टीम आयरन होती है, नॉर्मल आयरन होती है, ठीक है। अब इसमें जैसे नॉर्मल आयरन में आपसे नाम भी पूछ लेंगे, भाई उसमें रेगुलेटर, उसमें जैसे नॉर्मल आयरन जो होता है, मैं आयरन आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो ये रहा नॉर्मल आयरन आपका,
तो इसमें दोस्तों वो ये बता रहा था मेरा दोस्त कि भाई उसमें जो ये है उसको पूछेंगे कि भाई ये क्या है, ठीक है, ये क्या है रेगुलेटर, ठीक है, इन चीजों के बारे में पूछते हैं कि ये रेगुलेटर है क्या है, और जो ये है ये क्या है इंडिकेटर, मतलब जहाँ ये लाइट वगैरह चलती है जैसे ये है, ये इंडिकेटर हो गया। तो इस टाइप से भी दोस्तों को क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इनके भी नाम आप ध्यान से याद कर लेना, ठीक है, आयरन के बारे में भी, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आयरन के बारे में आपकी बातें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थर्ड बात है दोस्तों, वो आपको पहले देंगे बेडशीट वॉश करने के लिए, ठीक है, बेडशीट वॉश करने के लिए वो आपको देंगे, जिसमें आपको वो 3 मिनट देंगे कि भाई 3 मिनट के अंदर आपको वॉश करनी है, ठीक है, 3 मिनट का टाइमिंग उसको दिया था। तो अब वो हमें किस हिसाब से वॉश करनी है, उसमें कितना पानी डालना है, मतलब जैसे एक बकेट लेनी है उसमें उसी के हिसाब से जितना, मतलब जितना उसमें धुल सके बेडशीट, उसी के हिसाब से पानी लेना है वाटर का लेवल, और उसी के हिसाब से थोड़ा सर्फ डालना है। ये भी नहीं करना है कि सर्फ ज़्यादा डाल दो, ये भी नहीं करना है कि पानी ज़्यादा डाल दो, ठीक है, जिस हिसाब से कपड़ा धुल सके उस हिसाब से आपको वो पानी और सर्फ की मात्रा डालनी है। इस बात का भी वो नोटिस करते हैं, इस बात को भी वो इस बात के भी मार्क्स देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया बेडशीट के बारे में कि भाई कितना बेडशीट अगर आपको वॉश कराएंगे, 3 मिनट का टाइम देंगे रगड़ के जैसे वॉश करनी है, और जैसे बकेट में कितना पानी होना चाहिए, कितना सर्फ, कितना हिसाब से, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद दोस्तों वो बोलेंगे जैसे सर्फ का वो तरीका जैसे हो जाएगा, और फिर आपको रस्सी देंगे कि रस्सी को किस हिसाब से बांधते हैं, ठीक है, रस्सी का भाई बांधने का तरीका कैसा है, वो रस्सी देंगे आपको, रस्सी बांध देंगे, रस्सी पे फिर उसको मतलब किस हिसाब से सुखाएंगे, जो बेड शीट आपको वो देंगे तो बेड शीट को जैसे धोने के बाद आप उसको किस हिसाब से सुखाएंगे वो ये चीज़ भी देखेंगे। तो दोस्तों बेड शीट को उल्टा सुखाना है, ठीक है, अगर धुल जाता है, धुलने के बाद बेड शीट को दोस्तों उल्टा सुखाना है, उल्टा सुखाने के बाद बस उस पर क्लिप लगा देना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है भाई, उल्टा सुखाने के बाद क्लिप लगा देना है, सीधा उसको नहीं सुखाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया बेड शीट के बारे में, ठीक है, बेड शीट के बारे में मैंने सारी चीज बता दी, वो बेड शीट धुलवाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फोर्थ में है दोस्तों पैंट को वॉश कराते हैं, पैंट को वो वॉश करवाते हैं, उसमें भी वही जो भी है जितना टाइम देते हो, अगर नॉर्मल बकेट वगैरह में तो 3 मिनट या 4 मिनट का आपका टाइम दे देते हैं, मतलब दिखा देते हैं भाई कितना आप कर सकते हो, कितना जल्दी आप कर सकते हो, ठीक है, वॉश, ठीक है। उसमें दोस्तों क्या चीज चेक करने वाली है, वही एक सर्फ और एक वाटर, कितना वाटर का लेवल रहेगा, कितना सर्फ का लेवल रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें मेन चीज है, अगर वो पैंट आपको देते हैं तो उसको भाई एक बार चेक भी करना है, जैसे क्या होता है कई कोई ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स के मतलब जो कपड़े को वॉश करना पड़ता है, उनके पैसे उनके जेब में कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर तो नहीं है या कोई पैसे वगैरह तो नहीं है, ये चीज़ उसने चेक किया या नहीं किया, तो ये चीज़ भी वो देखते हैं कि वो चेक कर रहा है ढंग से नहीं कर रहा है, ठीक है। और या उसमें कोई दाग वगैरह, जैसे पैंट में कोई दाग वगैरह तो नहीं है, अगर दाग वगैरह तो फिर से उसको धो दो, ठीक है, ये चीज़ हो गई दोस्तों इसके बारे में, ठीक है, किसके बारे में, पैंट के बारे में, पैंट को जो वो आपको देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक चीज और देंगे कि शर्ट पर आयरन, ठीक है, शर्ट पर आयरन के लिए भी वो आपको 3 मिनट देंगे भाई, एक आपको शर्ट साफ से दे देंगे कि भाई लो आप इस पे आयरन करो, ठीक है। जो फौजी टाइप की जो शर्ट होती है दोस्तों उसका जो प्रेस करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। उसमें क्या है दोस्तों, आपको पहले जो है शर्ट का ये फोल्ड करना है, जो बाजू है बाजू को पहले फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड किस हिसाब से होता है वो मैं आपको एक तरीका से बता देता हूँ कि भाई फोल्ड किस हिसाब से होगा, ठीक है, वर्दी का या कुछ भी या किसी शर्ट का, ठीक है, शर्ट का मैं बता देता हूँ किस हिसाब से फोल्ड होता है फौजी कपड़े का। देखे जैसे देखिए दोस्तों ये हो गई बाजू, ठीक है, बाजू में फोल्ड जो होता है वो इस हिसाब से लगता है, पहले इसको उल्टा ऐसे होगा, ठीक है, देखिए आपको दिख रहा है ना दोस्तों, उल्टे टाइप से ऐसे होगा, मतलब ये इस टाइप से मैंने किया उल्टे टाइप से, उसके बाद फिर ऐसे, ठीक है, इस हिसाब से, उसके बाद फिर ये देखिए ये हो गया 1 फोल्ड, ठीक है, ये हो गया 2 फोल्ड, उसके बाद हो गया ये दोस्तों 3 फोल्ड, ठीक है, इस हिसाब से आपको दोस्तों 3 फोल्ड लगाने हैं, ठीक है, इस हिसाब से दोनों उसमें दोनों तरफ ये 3 फोल्ड आपको इस टाइप के लगाने होंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया फोल्ड का तरीका, अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि शर्ट पर जो आयरन करने का वो 3 मिनट देंगे, 3 मिनट के अंदर आपको
पूरा शर्ट आयरन कर देना है। अब उसमें क्या क्या चीज को आपको देखना है, किस हिसाब से आपको वो करना है। पहले फोल्ड कर दिया दोस्तों, उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको पीछे की साइड कॉलर पे प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे फ्रंट पे पीछे की तरफ से वो करना है, ठीक है, प्रेस। उसके बाद दोस्तों फिर उस हिसाब से ये कंधे की तरफ, कंधे की तरफ आपको देखो इस टाइप से करना है, फिर प्रेस मारना है, ठीक है दोस्तों। ये चीज देख लीजिए आप, इस हिसाब से प्रेस मारना है। उसके बाद दोस्तों ये होने के बाद फिर शोल्डर पे जैसे ये होता है इसका मारना है, फिर उसके बाद इसका मारना है, मतलब जो फोल्ड करने के बाद। उसके बाद दोस्तों ये भी, ये जो है आपका बाजू, इसको इस टाइप से दूसरी बाजू को भी कर लेना है, ठीक है, और दोनों पे प्रेस मार देना है बाजू की तरफ भी, जैसे जो सीधा वो बन जाए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसे ये इस टाइप से रहेगा, फिर अंदर की तरफ से प्रेस मारना है, ठीक है दोस्तों, अंदर की तरफ से प्रेस मारना है, फिर अंदर से प्रेस मार के फिर इस हिसाब से प्रेस मारना है, फिर इस वाले जो एरिया को प्रेस करना है ऐसे ही, इस वाले एरिया को प्रेस करना है, इस वाले को दोस्तों इस हिसाब से, ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से। फिर उसके बाद वो दोस्तों आपको इस हिसाब से देख लेना, उसके बाद वो दोस्तों आपको एक हैंगर देंगे, ठीक है, या तो हैंगर देंगे, हैंगर देंगे तो आपको उसमें लटका देना है, और अगर हैंगर नहीं देते हैं तो बैक करके इस हिसाब से आपको वो फोल्ड कर देना है, ठीक है, बैक करके दोस्तों फोल्ड कर देना है। तो ये रहा आपका मतलब शर्ट का प्रेस करने का दोस्तों तरीका, ठीक है दोस्तों। अंदर की साइड से देखो, मैंने बता दिया ना सारा चीज इसमें, कि पहले कॉलर फिर ये फोल्ड को मतलब करना है, शोल्डर पे भी मारना है, अंदर की साइड से मारना है, उल्टा उल्टा फोल्ड करके उल्टा फोल्ड करना है उसको, ठीक है, ध्यान रखना। ये चीज हो गई दोस्तों प्रेस करने का तरीका। बाकी पैंट तो नॉर्मली आपका प्रेस हो ही जाता है, नॉर्मली उसको खोलना है और उसको प्रेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा अब यहाँ पे कि भाई वो कई बार क्या है, वो पूछते हैं कि व्हाइट कपड़ा दे देते हैं आपको, ठीक है, व्हाइट कपड़ा आपको दे देंगे, फिर कहेंगे भाई इसका कलर जो इस पे मतलब दाग पड़ा हुआ है इसमें क्या डालेंगे हम, जैसे ये व्हाइट कपड़ा है वो सही हो जाए। क्योंकि तो दोस्तों ऑफिसर्स जो होते हैं उनके व्हाइट क्लॉथ्स होते हैं और व्हाइट ही टावल वगैरह होती है, बेडशीट्स वगैरह होती हैं, तो क्या होता है उनमें दाग लगने से काफी मतलब नुकसान होता है, तो इसलिए उसमें उसको सफाया करने के लिए तो रिनाला का यूज किया जाता है, ठीक है, रिनाला को यूज करके वो दाग को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर वो वर्बली भी आपसे पूछते हैं कि भाई किस चीज का यूज किया जाता है उसको साफ करने के लिए, तो बता देना रिनाला, ठीक है। और अगर रंगीन कपड़े पे दाग लगता है तो किस चीज का यूज किया जाता है दोस्तों, वेनिस का, किसका यूज किया जाता है, वेनिस का, इन चीजों का दोस्तों ध्यान रखना। तो देखो दोस्तों ये सारी जो प्रक्रिया है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये फर्स्ट वॉशिंग मशीन से रिलेटेड भी, आयरन से रिलेटेड भी, बेडशीट वॉश कराएंगे, पैंट वॉश कराएंगे, शर्ट वॉश करवाएंगे, ठीक है, सर्फ का तरीका, रस्सी टांगे कैसे उल्टी साइड मतलब उल्टी साइड से सुखाएं कपड़े को, ठीक है, व्हाइट कपड़े में दाग, रिनाला, रंगीन कपड़े में दाग, वेनिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब जितना मुझे उसने इन्फॉर्मेशन दोस्तों दिया था मेरे फ्रेंड ने, जो अभी फिलहाल कॉन्स्टेबल वाशरमैन के पद पे पदस्थापित है, तो उसने जितना मेरे को बताया तो वो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, जितना उसने बताया था मैंने वो सारी चीज लिख ली थी, उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने वो लिख के समझा दी है। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारी वीडियो YouTube पर रिकमेंड हो और व्यूज थोड़ा आए, जिससे आगे आगे दोस्तों फिर मैं अच्छी वीडियो आपके लिए और भी जो बेहतरीन वीडियो आपके लिए ला सकूं, शायद इस पे नहीं तो शायद स्क्रीन वाले पे, ठीक है दोस्तों। तो और उससे हमें थोड़ा सा आपके सब्सक्राइब करने से और थोड़ा लाइक करने से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा, मोटिवेटेड होके हम और भी मेहनत करेंगे वीडियोज पर, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।